चौरी चौरा पुलिस ने 5 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शमीउद्दीन उर्फ चुन्नू पुत्र सहाबुद्दीन पुत्र मुंडेरा बाजार मस्जिद के बगल थाना चौरी चौरा गोरखपुर, दूसरा मनीष यादव पुत्र राम आधार यादव निवासी मकान नंबर 3 वार्ड नंबर 2 मुंडेरा बाजार थाना चौरी चौरा गोरखपुर तथा चोरी किए गए मोटरसाइकिल को बेचने में मदद करने वाले अभियुक्तगढ़, तीसरा दीपक कुमार गौड़ पुत्र जगदीश प्रसाद गौड़ निवासी सरैया न्यू थाना चौरी चौरा गोरखपुर, अस्थायी पता ग्राम रेपुरा थाना गोपालगंज जिला गोपालगंज बिहार, चौथा आदम पुत्र रहमान निवासी बरबसहा थाना झगहा गोरखपुर, पांचवा किशन सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र स्वर्गीय राम कृपाल सिंह निवासी भगवानपुर टोला तुलसीपुर थाना चौरी चौरा के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल, 2 मास्टर चाबी, 2 पेचकस, 1 प्लास, 1 छोटी आरी लोहे की बरामद हुआ है। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि अभियुक्तों के द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट बदलकर व चेचिस नंबर से छेड़छाड़ कर गाड़ियों को बेचने का संगठित गिरोह चलाया जा रहा था, जिनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज कुमार यादव, उप निरीक्षक अवधेश पांडे, प्रदीप कुमार सिंह, मदन मोहन मिश्रा, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार राय, कांस्टेबल रामकृष्ण यादव, प्रदीप कुमार, बलवंत कुमार, पीयूष सिंह, गोविंद गौड़ शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल रात्रि में एक गिरोह पकड़ा गया है वाहन चोरों का, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये चौरी चौरा थाने का मामला है, तो उनके पास से 5 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं और जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी गई थी। ये 5ों एक गिरोह बना के और मोटरसाइकिलों का की चोरी करके और उनको बेचते हैं, तो इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। समीउद्दीन इस गैंग का सरगना है और ये विभिन्न प्रदेशों में बाहर के बिहार और दूसरे शहरों में ले जाके इसकी बिक्री करते थे। अब तक ये 5 घटनाओं का इन्होंने बताया है, जो कि दूसरे प्रदेशों की भी हैं, अपने विभिन्न जिलों जनपदों की भी हैं, उनमें संबंधित थानों जनपदों को सूचित किया जा रहा है।